नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आज भारत के दो गैर जिम्मेदार परमाणु बम रखने वाले पड़ोसी देश हैं और जिनकी भारत के बिल्कुल भी नहीं बनती। एक तरफ दोस्तों जहां चाइना जैसा देश गलवान घाटी जैसी हिंसा को अंजाम देता है, तो दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान जैसा देश हमारे देश में आतंकवादियों को भेज के अशांति को फैलाता है। इससे दोस्तों इस चीज़ के आसार बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कि आज नहीं तो कल चाइना या फिर पाकिस्तान से भारत का युद्ध निश्चित है। ऐसे में दोस्तों भारत की क्या तैयारी है इस युद्ध को लेके, मैं आज आप लोगों को भारत के एक ऐसे हथियार के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों अकेला ही इन दोनों देशों के लिए भारी है। और इतना भारी नहीं दोस्तों, इन दोनों देशों के एक भी हथियार को भारत के अंदर घुसने नहीं देगा। भारत की सरहद के अंदर इनका एक भी हथियार प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में आज इस हथियार के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना कुछ देर किए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों इस हथियार का नाम है BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आज दोस्तों आप लोगों को मैं इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है ये सारे दूर कर दूंगा। यहाँ तक कि दोस्तों ये कब तक सेना में शामिल हो जाएगा ये भी आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ BMD के बारे में। BMD एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसे भारत की डिफेंस कंपनी DRDO ने बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, DRDO ने इसे जो बनाया है उसे फर्स्ट फेज में तैयार किया है। मतलब दोस्तों फर्स्ट फेज आप लोगों को क्लियर करा दूं, फर्स्ट फेज की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है। इसमें जो लगी मिसाइलें हैं उनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इनमें जो मिसाइलें लगी हैं वो है एट और पैट, जिसमें से दोस्तों जो पैट की रेंज है वो है 2000 किलोमीटर तक। वहीं पे 80 किलोमीटर ऊंचाई तक की किसी भी मिसाइल को आसानी से मार के गिरा सकता है। अगर बात की जाएगी एड मिसाइल की, तो एड मिसाइल की जो ऊंचाई वाली रेंज है वो 30 किलोमीटर तक है और वो भी 2000 किलोमीटर तक की किसी भी रेंज वाली मिसाइल को मार के गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी आप रुकिए, अभी तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ BMD के फर्स्ट फेज की बात की है। अब यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे BMD के सेकेंड फेज के बारे में। दोस्तों BMD का जो सेकंड फेज है उससे आप इतना खतरनाक कह सकते हो कि दुनिया में अभी ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो BMD को टक्कर दे सके। यहां तक कि दोस्तों रशिया का S-500 भी कमजोर पड़ जाएगा BMD के सेकंड फेज के हिसाब से अगर देखा जाएगा, क्योंकि सेकंड फेज वाला BMD का जो सिस्टम होगा वो इतना ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा कि S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल तोड़ के रख देगा। और रेंज के मामले में दोस्तों इतनी इस मिसाइल सिस्टम की रेंज होगी कि दोस्तों अभी तक किसी भी देश के पास इतनी ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। दोस्तों जो BMD का सेकंड फेज मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनेगा उसकी जो मिसाइलें लगेंगी उसमें से AD-1 और AD-2 नाम की मिसाइलें लगेंगी, जिनकी रेंज दोस्तों 5000 किलोमीटर तक बताई जाती है। 5000 किलोमीटर तक मतलब दोस्तों आधे भारत को एक ही BMD से कवर किया जा सकता है। आज दोस्तों यही कुछ कारण है कि अमेरिका, रसिया, चाइना जैसे देश भारत से बहुत ही ज़्यादा खौफ खाते हैं, क्योंकि भारत बिल्कुल ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम, ऐसी ऐसी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जो कि इन सभी देशों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। और यही बात आज इन देशों को खाती नजर आ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम कब तक भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा, कब वो हमारी सरहद पे खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करेगा। देखिए दोस्तों जो BMD का फर्स्ट स्टेज है इसके लिए हमारा जो डिफेंस कंपनी DRDO सेना को सारी जानकारी सौंप दी है और बहुत ही जल्दी 1 से 2 साल के अंदर भारत का जो BMD का फर्स्ट स्टेज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाएगी सेकेंड फेज वाले BMD की, तो उसको शामिल होने से कम अभी 4 साल का वक्त लग सकता है। 2026 तक भारतीय सेना में वो शामिल हो जाएगा। और आज यही कुछ कारण है कि भारत को
S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना पड़ा, क्योंकि अभी इसको बनने में और भारतीय सेना में शामिल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक भारत की जो रखवाली है S-400 करेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भारत के BMD के बारे में, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए कमेंट्स कर दीजिए। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।